मेरे आदर्श व्यक्ति उनका से शुभकामनाएं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी है, देश ने बहुत तरक्की की है, हर फील्ड में तरक्की करने के बावजूद वो तरक्की उतनी नज़र नहीं आती, क्योंकि हम भ्रष्टाचार, वुमन पे, बच्चों पे होने वाले अत्याचार से अभी तक पार नहीं पड़ पाए। हम सारा दोष सरकार पे और दूसरी जगहों पर देते हैं। बेसिक चीज है अपने आप को चेंज करना। ये होता है मानसिक विकृति के कारण, एक मानसिक रोग है। भ्रष्टाचार भी एक मानसिक रोग है। इसको दूर करना है तो गवर्नमेंट नहीं करेगी। आज गणतंत्र दिवस पर आपको हर क्षेत्र में अपने राइट्स दिए हुए हैं, हम सभी को उसका उपयोग करना पड़ेगा। जैसे इविल 1 × 2, 2 × 4, 4 × 16, इविल का मल्टीप्लिकेशन डबल स्पीड से, ट्रिपल स्पीड से चलता है, और वो हमारे समाज में इतनी ज़्यादा फैल गई है कि उसको काउंटर करने का हमने कभी विचार ही नहीं किया। इस मंच से, प्रिया स्कूल के इस मंच से मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, इस इवेंट को दूर करने के लिए हम भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, उससे डबल ताकत से काम करें। अपने आप को चेंज करना जरूरी है। एक आदमी चेंज होगा, दो आदमी चेंज होंगे, 2 से 10 चेंज होंगे, 10 से 20 चेंज होंगे। जब लाखों की संख्या में हम भी पॉजिटिव सोच वाले लोग आगे आएंगे, तो शायद इस बुराई से हम पार पा सकेंगे। सोच को जब तक नहीं बदलेंगे, बुराई के ऊपर जीत कभी नहीं हो सकती। कानून बनाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक इसको इम्प्लीमेंट हो। सराउंडिंग वातावरण है, उसको हम परफेक्ट नहीं बना लेते। दूसरा चेंज क्रिया ने एजुकेशन के फील्ड में, गेम्स के फील्ड में, सांस्कृतिक क्षेत्र के फील्ड में काफ़ी नाम कमाया है। अभी हम लोग एक सोशल फील्ड की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में हमने उस क्षेत्र में काम करना चालू किया है, और मुझे यहाँ अनाउंस करते वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि प्रिया स्कूल के बच्चों ने, 3री और 4थी क्लास के बच्चों ने, हमने एक स्कूल को एडॉप्ट किया, सह्याद्री उसका नाम है। उसके लिए 3री और 4थी क्लास के बच्चों ने 28,000 रुपीज़ का फंड इकट्ठा किया है। आए शायद हमारी तालियों में वो गड़गड़ाहट नहीं है जो उन बच्चों ने काम करके दिखाया। गुड। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे करीब करीब 2,500 बच्चों की एक बहुत बड़ी आर्मी है, और जो ड्रीम हम लेके उस स्कूल के लिए चले हैं वो ड्रीम अवश्य पूरा होगा। आई एम प्राउड दैट 30 मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल विजिटेड यस्टरडे। बेसिक नीड हम लोगों ने उनकी पूरी की है। कल 2 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं, 1 ईयर वेजिटेबल टू ऑल द 14 बॉयज एंड गर्ल। आई टेक अवर इंस्ट्रक्टर्स हु हैव डन मार्वलस जॉब, टीचर्स, प्रिंसिपल मैडम हैव डन मार्वलस जॉब। बिकॉज ऑफ दैट यस्टरडे वी हैव लॉन्च दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्लब सपोर्टेड अस एंड दे हैव प्रोवाइडेड होल ईयर फूड ग्रेन्स, दैट इज ए बिग अचीवमेंट। सो वी हैव मेड ए एक्सेलेंट जॉब इन द फील्ड ऑफ सोशल। आई एम प्राउड दैट प्रिया स्कूल इज द फर्स्ट स्कूल इन होल इंडिया
We are the first. Intrep Club adopted a school, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हमने अडॉप्ट करते हुए देखा है, पर इंटरेट क्लब के छोटे बच्चों ने एक स्कूल को अडॉप्ट करके आज उस स्टेज में पहुंचा दिया कि वो लोग बेसिक नीड, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल हो गया जिसकी इमेजिनेशन हम नहीं कर सकते। आने वाले महीनों में बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट आई थिंक वी आर गोइंग टू स्पेंड विद इन 3-4 months 2 lakh rupees फॉर दैट स्कूल। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे ये बोलना नहीं चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। टू आई एम पार्ट ऑफ यूर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। अच्छा, या समारंभ के प्रमुख अतिथि पुरुषोत्तम जी मारू, तुमच्या सुयोग्य पत्नी सौ विजय मारू, माननीय मधु मॅडम, आदरणीय शिक्षक आणि शिक्षकेतर आमचे कर्मचारी, या ठिकाणी खास समारंभाला उपस्थित राहिलेले आपले सन्माननीय पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला आजच्या या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सर्व उपस्थितांना पाताळगंगा रसायन इंडस्ट्रीज असोसिएशन तर्फे आणि माझ्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा। आजच्या ह्या दिनानिमित्त आपल्या ह्या विद्यार्थ्यांनी खूप त्यांच्या भाषणामध्ये आजच्या दिवसाचं महत्त्व समजावून सांगितलं। परवाच्या दिवशी TV वरती एक प्रोग्राम होता आणि त्या प्रोग्राममध्ये बरेचसे सुविध प्रेक्षक त्या ठिकाणी होते आणि प्रश्न विचारण्यात आलेला होता की प्रजासत्ताक दिन आपण कशासाठी साजरा करतो, आणि मिळालेली उत्तरं जी होती ती फार मजेदार होती। पहिल्या प्रेक्षकाला त्यांनी विचारलं की प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा का करतो, त्याने सांगितलं मी आजच मुंबईला आलेलो आहे, मला काही कल्पना नाही। दुसऱ्या एकानं सांगितलं की आजचा दिवस खूप चांगला आहे म्हणून प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करतो। अशी निर्णय प्रकारची मजेदार त्या ठिकाणी उत्तरे होते, परंतु आमच्या विद्यार्थी मित्रांनी आजच्या या प्रजासत्ताक दिनाचं महत्त्व या ठिकाणी अतिशय ठामपणे मांडलं, त्याबद्दल या विद्यार्थी मित्रांचं खास आपण तो टाळ्या वाजून कौतुक करूया। विद्यार्थी मित्रांनी जे सांगितलं तेच मी सांगू इच्छितो। त्याच्या ह्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपल्याला काही हक्क आणि कर्तव्य याची जाणीव झाली पाहिजे, आणि विशेषतः भ्रष्टाचार आणि महिलांवरती होणारे अत्याचार या बाबतीमध्ये आपण रोज पेपरमध्ये वाचतो। यापासून आपण विद्यार्थ्यांनी आणि शाळेतल्या शिक्षक वर्गाने एक महत्त्वाचं तत्व ध्यानामध्ये घेतलं पाहिजे की शाळेमध्ये आणि इतर परिसरामध्ये देखील अतिशय आपुलकीचं असं वातावरण निर्माण जर कधी झालं तर ह्या प्रश्नावरती आपण मात करू शकतो। एकमेकांबद्दल आपण शाळेमध्ये मुलं आणि मुली एकत्र या ठिकाणी शिकतो, विद्याभ्यास करायला या ठिकाणी येतो, त्यामुळे एकमेकांबद्दल आपल्याबद्दल आदर पाहिजे, आपुलकी पाहिजे, आणि ही जर आपुलकी अशी जर वाढली तर अशा तऱ्हेचे परिणाम होणार नाहीत। आणि विशेषतः प्रिया स्कूलचे विद्यार्थी हे आदर्श विद्यार्थी म्हणून या परिसरामध्ये समजले जातात, त्या आदर्शपणाला कुठल्याही तऱ्हेचा कलंक लागू नये अशा तऱ्हेनं आजच्या दिवशी आपण प्रतिज्ञा करायला पाहिजे असं मला वाटतं। शाळेची दिवसेंदिवस आपली उन्नती होते, प्रगतीपथावरती आपण जातो, असंच प्रगतीपथावरती जायचं आहे, आणि आपल्या विद्यार्थ्यांनी उत्तम असं नागरिक झालं तर आजच्या प्रजासत्ताक दिन आपण जो साजरा करतोय हा सदैव आपल्या लक्षामध्ये राहील। मारू सरांनी ज्याप्रमाणे सांगितलं की आपल्या विद्यार्थ्यांनी अतिशय चांगलं काम रोटरी क्लबच्या माध्यमाने केलेलं आहे, त्याबद्दल रोटरी क्लबला देखील आपण या ठिकाणी खास त्यांचं अभिनंदन करणार होतो, आणि विशेषतः मारू साहेबांनी खूप त्यात इंटरेस्ट घेतलेला आहे हे सांगायला मला खूप आनंद होतो। शाळेची या वर्षाची खास आपली प्रगती म्हणजे शाळेची ही मोठी बिल्डिंग आपल्या समोर दिसते आहे,
ही इमारत उभी करण्यामागे बऱ्याच लोकांचे श्रम आहेत आणि विशेषतः माळू साहेबांचा खूप त्यात हातभार लागलेला आहे. ही एक विशेष कौतुकाची बाब या ठिकाणी मी म्हणजे सांगण्याची इच्छा आपल्याला व्यक्त करतो. आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा, सर्व शिक्षक वर्गांना, शिक्षकेतर वर्गांना हार्दिक शुभेच्छा. या ठिकाणी दोन शब्द बोलायची संधी दिल्याबद्दल मी आभारी आहे. धन्यवाद. नेहमी हसत रहा. बी ऑलवेज स्माइलिंग. थँक यू. परमादरणीय ओंकार सर, माननीय मारू सर, उपस्थित माननीय विजया मैडम, अभिभावकगण, शिक्षक शिक्षिकाओं, सहयोगियों एवं मेरे प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को प्रिय परिवार की तरफ से आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं. बच्चों, आपके मित्रों ने आपको बहुत कुछ बताया और शायद आपने बहुत कुछ समझा भी होगा. आज 64वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने बच्चों के साथ यह प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे कि हम हमारे बच्चे हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर के प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे. समाज में, परिवार में, देश में आने वाली समस्त कठिन परिस्थितियों के साथ मिलकर सामना करेंगे. हम किसी भी परिस्थिति से मुख नहीं मोड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे. दहशतवाद हो या आतंकवाद हो, आप ये मत सोचें कि कोई बाहर से आएगा और हमारे देश को हमें आपको इन सबसे मुक्ति दिलाएगा. आज फिर जरूरत है कि हर देश में, हमारे देश में, हर घर में एक सैनिक हो और हम सब मिल करके इन सारे जो समस्याएं हैं, जो डर है मानव के अंदर, उनको समाप्त करें. हमें अपने अंदर आत्मसात जागृत करना होगा, आत्मबल जागृत करना होगा, जिससे कि हम इन परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकें. ये केसरिया रंग जो हमारे देश के अमर शहीदों की अमरता का, त्याग का, बलिदानी का प्रतीक है, हमें अपने उन शहीदों को याद करना है. हमें अपने अंदर वो त्याग की भावना, वो बलिदानी की भावना लानी है. ये सफेद रंग जो आपके ध्वज में फहरा रहा है, आपको याद रखना है कि आप सदैव सत्य के पथ पर चले हुए अपने स्वार्थ के लिए जनहित को छोड़कर कुछ भी गलत नहीं करेंगे. जो करेंगे लोक कल्याण के लिए करेंगे, पवित्रता के साथ करेंगे, सत्यता के साथ करेंगे. और ये हरा रंग जो हरियाली का, समृद्धि का प्रतीक है, हम अपने देश की, अपने देश की जो भी समृद्धि है, जो संपन्नता है, जो हमारे प्रकृति ने अनेकानेक धरोहर दिए हैं, उन सब को संभाल कर रखेंगे. बच्चों, कभी भी आप ये ना सोचें कि कोई दूसरा आपके आगे आएगा, आपको बचाएगा, आपको संभालेगा, आपको आगे ले जाएगा. नहीं, हमें खुद चलना है, हमें खुद अटल रहना है, हमें खुद आगे बढ़ना है, मिलजुल कर बढ़ना है. आज हम जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद के नाम पे लड़ रहे हैं. आपने सोचा, हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि हमें इन सब से ऊपर उठकर एक इंसान बनना है. हमें इंसानी निभानी है, हमें मानवता के धर्म को निभाना है. हम एक मानव हैं और हमें मानव बनकर रहना है. देश में अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के लिए करेंगे, तो हमेशा आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों के लिए करेंगे. अतः हमें स्वयं बदलना है और स्वयं आगे बढ़ करके सबको साथ लेकर चलना है. ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए. हम भारतीय हैं और हम अगर भारतीय हैं तो हम भारतीय तभी तक हैं जब तक हमारा देश है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भारत देश को बचाए रखने के लिए, अपनी भारतीयता को बचाए रखने के लिए, अपनी राष्ट्रीयता को बचाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े. भारत होगा तभी हम होंगे, हमारा देश होगा तभी हम होंगे. हमसे और हमारे देश के बीच दोनों में एक अखंडता होनी चाहिए, एक अटूटता होनी चाहिए. तभी एकीकरण आएगा, तभी ये सब हो सकता है. बच्चों, बस
आप हमेशा ये बात याद रखें कि भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है, इस देश के साथ तन मन क्या धन क्या जीवन अर्पण कर देंगे, जीवन अर्पण कर देंगे। और इसी भावना से जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चय रूप से हम सब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए नैतिकता के पथ पर भी आगे बढ़ेंगे और